हाल ही में करीना कपूर, कृति और तबू की ये मूवी आई थी जिसका नाम था क्रू। ये मूवी बनी थी एयर हॉस्टेस के जीवन और सोने की तस्करी के ऊपर। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे ये तीनों सोने की तस्करी के लिए एक अनोखा और नायाब तरीका ढूंढती हैं। मगर ये तो कहानी थी एक फिल्म की, लेकिन केरल के कुन्नूर एयरपोर्ट पर एक रियल लाइफ का इंसिडेंट सामने आया है। दरअसल केरल के कुन्नूर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक एयर हॉस्टेस के पास से लगभग 1 किलो सोना बरामद किया गया। इसके बाद उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये तस्वीर है सुरभि खातून की, जिसके ऊपर आरोप है कि इसने सोना मस्कट से कथित तौर पर अपने प्राइवेट पार्ट में छिपा कर भारत लेकर आई थी। कहा जा रहा है कि वो पहले भी इस तरह से कई बार सोने की तस्करी कर चुकी है। आपको बता दें कि एयर होस्टेस की पहचान कोलकाता की रहने वाली सुरभि खातून के रूप में हुई है, जिसे करीब 960 ग्राम सोना जब्त किया गया। सोने को राजस्व खुफिया विभाग ने जब्त कर लिया है। आरोपी खातून को बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और 14 दिनों की रिमांड पर लिया गया है। सुरभि मस्कट से कुन्नूर में उतरने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट की कैबिन क्रू मेंबर थी। रिपोर्ट के मुताबिक सुरभि ने पहले भी कई बार सोने की तस्करी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक DRI कुन्नूर की टीम ने एक खुफिया जानकारी के बाद एयर होस्टेस को गिरफ्तार किया। सोने को जिस आकार में बनाकर प्राइवेट पार्ट में रखा गया था, उससे एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात अधिकारी भी हैरान है। खुलासा हुआ है कि सोने को एक शेप दे दिया गया था। पुरुष गुप्तांग की शक्ल में सोने को उस एयर होस्टेस ने अपने प्राइवेट पार्ट में डाल रखा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का यह पहला मामला है जब एयरलाइन चालक दल का कोई सदस्य अपने प्राइवेट पार्ट में इस तरह सोना छिपाकर तस्करी करने के आरोप में पकड़ा गया है।